सो गाइस, आज हम लोग जो आप लोग वीडियो क्लिप देखे हो वो हम लोग गए थे, शहीद दिवस था 23 मार्च को रात को, तो मैं बाजार गया था, समझ रहे हैं। चलो लोकेशन चेंज करते हैं फिर बताता हूँ। तो गाइस, हम लोग का कोई प्लान नहीं था, मैं बाजार गया था, जैसे डेली जाता हूँ दुकान का सामान लेने, तो ये मेरे को बताई कि आज 23 मार्च है, शहीद दिवस है, तो ये बताई, तो फिर मैं बोला चल चलते हैं, तो फिर ये अचानक से तैयार हुई, फिर हम लोग गए। तो हम लोग इसलिए वो जाने की वीडियो नहीं बना पाए कि रात हो गई थी, तो लाइट वाइट नहीं था, तो अच्छा वीडियो नहीं आता, तो हम लोग वहाँ का नहीं बनाए। तो फिर वहाँ हम लोग गए, तो फिर क्या रहता है कि वहाँ मतलब जो जो भाग लेता है कुछ परफॉर्म करने के कॉम्पिटिशन लिए, में तो उन लोग को नाम लिखाना पड़ता, तो वहाँ पूरा फुल था और इसको कुछ बोलना रहा, तो फिर इसको बोलने का मतलब सब लोग इतने लोग रहे कि चांस ही नहीं रहा। फिर एक भैया थे तो कराए, नहीं उम्मीद ही खत्म थी, वो सब मोमबत्ती जलने लास्ट प्रोग्राम, तब इसको फिर ये अचानक पता नहीं, मैं सोच रहा ना बनेगा, सब खाली होने लगा, फिर ये अचानक से बोली, तो चलिए दिखाते हैं कि ये क्या बोली। तो हमारे बीच एक छोटी बहन है, कुछ बोलना चाहती। क्या कर रहे हो यार ये दो? सभी से अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। टेंथ वाले भैया, कुकू भैया, लाइट ऑन कर दीजिए। हेलो हेलो, पहले सबसे मैं बोलना चाहूँ कि भारत माता की जय, और अंदर थैंक यू आपको ये मेरा मौका, मतलब कि मेरे को मौका देने के लिए यहाँ पे बोलने के लिए। मेरा नाम दामिनी बैरागी है, मैं आप सबके सामने छोटी सी भगत सिंह के बारे में 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। जानती हूँ आप सबके पास वक्त बहुत कम होगा, पर मैं बोलना चाहती हूँ, कुछ नशा तिरंगे की आन का है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा बहुत ये बहुत धन्यवाद, हिंदुस्तान की शान का है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। जो धर्म में मर मिटा बस वही महान है, जो धर्म में मर मिटा बस वही महान है, कारगिल का हर जवान देवता समान है, कारगिल का हर जवान देवता समान है। धन्य हुई वह माटी भी, धन्य हुई वह माटी भी जिस पर तुमने जन्म लिया, शीश नवाए उस माता को, शीश नवाए उस माता को जिसने तुम्हें जन्म दिया। सीने पर गोली खा, सीने पर गोली खा, हंसते हंसते मरने वाले तुझे सलाम, कारगिल में लड़ने वाले, कारगिल में लाने वाले तुझे प्रणाम। जो अब तक न खोला वह खून नहीं पानी है पानी, जो अब तक न खोला वह खून नहीं पानी है पानी, जो देश के काम न आई बेकार की जवानी, जो देश के काम न आई बेकार की जवानी। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, नोटों में भी लिपट कर सोने में भी लिपट कर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, क्योंकि समय कम है इसलिए आपको बीच में रोका और समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शहीद दिवस में गए थे, तो शहीद दिवस में मतलब कि मुझे कुछ बोलना था, मतलब कि जैसे 26 जनवरी होता है तो उसके लिए मैंने तैयारी की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहाँ नहीं हो पाए स्कूल में, तो मैं सोची वही मौका है तो मैं बोल सकती हूँ। घर से कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी जाके लगा कि बोल दूँगी, लेकिन वहाँ पे इतने सारे लोग थे कि हम लोग को चांस ही नहीं मिला। फिर बहुत देर तक मैं वहाँ पर रुकी थी कि शायद मेरा चांस आए, तो लेकिन वो अंकल ने भी मना कर दिया था कि मतलब कि नहीं हो पाएगा, तुम्हारा बहुत सारे लोग हैं। फिर मेरा मन पहले बहुत दुखी हो गया कि, लेकिन फिर भी एक अंकल बोले कि हो गया मैं करवा देता हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। मैं बैठी थी, फिर बहुत देर बाद शायद उनको दया आ गई या फिर क्या, फिर एक अंकल आए तो फिर बोले कि चलो हो गया मैं तुमको बुलवाता हूँ, फिर वो ज़बरदस्ती ले जाके मुझे खड़े कर दिए थे स्टेज में। फिर बाद में वहाँ पे गई तो फिर मैं कुछ बोली। हाँ तो गाइस, काजल जो बोली आप लोग को समझ में आया कि नहीं, वो क्या है ना कैमरे के सामने ज़्यादा आती नहीं, मैं आधा रहता हूँ तो मेरे को पता है, तो ज़्यादा बोल नहीं पाती, ऐसे बोली होगी। अच्छा तो गाइस, वो बोलने हम लोग कुछ नहीं गए थे, पर अचानक से वो मेरे को बताई कि चलना, तो हम लोग सीधे वहाँ चले गए, तो हम लोग चले गए, तो जब हम लोग मेरे को पता चला कि वो बोलती मेरे से कि कुछ बोलना है, तो वहाँ मैं गया बोलने कि मेरी बहन कुछ बोलेगी, तो लोग बोलते हैं कि पहले से ही पूरा फुल है, मतलब प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, अभी पिछले बार देख लेना। फिर लास्ट हो गया, एक भैया से मैं बोला तो बोले ठीक है, फिर नहीं बोला था, फिर किनारे खड़ी रही एकदम, मुँह झुराया मतलब किनारे साइड एकदम से, फिर पता नहीं का क्या हुआ, फिर उसको बुलाया, फिर अचानक से बोले जल्दी, फिर वो देखे बीच में बोलते बोलते उसकी आवाज़ ही रोक दी कि बस हो गया इतने, तो हो गया गाइस बोल ली, मतलब कि मतलब अगर किसी चीज़ को चाहो तो कहते हैं मिल जाती है, मेरे को लगा इसमें मेरे को लगा कि नहीं मिल पाएगा, तो फिर उसको बोलने का मौका मिला, तो अच्छा लगा। वो बोली, आप लोग बताएगा कि वो कैसा बोली, बताइएगा, मेन होता है कि बोलना। तो गाइज, आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा,
इस वीडियो में हम लोग ये बताने की कोशिश किए हैं कि अगर किसी चीज़ को अगर आप लोग चाहो बोलना हो, फिर कुछ भी आप लोग चाहो तो पूरी होते। तो अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद।